नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है और समय हो रहा है रात के 11:30 बज रहे हैं। पटना का क्या माहौल है आप सभी जान रहे हैं कि सारा पटना भगवा रंग से रंग चुका है, क्योंकि ये देखिए भाजपा के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा वो आ रहे हैं पटना और हमारे जो गृह मंत्री हैं यानी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह वो आ रहे हैं पटना में। और आप देख सकते हैं कि डाक बंगला चौराहे का जो सजावट है वो किस तरह से, ये देखिए ये बस पंडाल नहीं है, ये एक प्लाई का बोर्ड है जो लगा हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर लिखा हुआ है संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ जो है वो लगा हुआ है, प्लाई का जो बनावट है वो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये स्वागत के लिए है। जी हाँ, आप यहाँ भी देख सकते होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्वागत अभिनंदन। और 11:30 बजे रात में हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला के अगर चारों तरफ आप घूमेंगे तो देखिए आपको क्या दिखेगा। डाक बंगला के चारों तरफ आपको दिखेगा कि भाजपा का ही पोस्टर हर जगह। जी हाँ, आपको हर जगह बस और बस भाजपा का फोटो, भाजपा का पोस्टर, जितने भी लोग भाजपा में शामिल हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखेंगी। और ये देखिए दूर से किस तरह का लग रहा है डाक बंगला चौराहा पे जो सजावट हुआ है अमित शाह और जेपी नड्डा के लिए, वो सजावट हम आपको रात में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दिन भर आप लोग देख पाते होंगे लेकिन इतने जो सुंदरता के साथ हम आपको दिखा रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे होंगे। तो देखिए अब हम आपको मौर्य लोक की तरफ ले जाते हैं और फिर इनकम टैक्स पे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स पे जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि वहाँ स्टेज बन रहा है। जी हाँ, वहाँ पे भी हम आपको ले चलेंगे। और अगर आप रास्ते में चल रहे थे आज दिन भर तो आपको पूरे रास्ता में यानी डिवाइडर पे बस और बस भाजपा का झंडा लहराता हुआ दिख रहा होगा। तो देखिए रात में हम निकले हैं आपको ये नज़ारा दिखाने के लिए, तो चलिए अब दिखाते हैं और कि पूरे रोड का क्या हाल है, कहाँ कहाँ सजावट हुई है। और जेपी नड्डा और अमित शाह 30 जुलाई को पटना आ रहे हैं, आप सभी जान रहे हैं। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कहाँ क्या हो रहा है। चलिए तो देखिए हम इनकम टैक्स आ गए हैं। यहाँ का भी आप नज़ारा देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो गोलंबर है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का सजावट हुआ है। लेकिन ये सब देखने से पहले आप भाजपा कार्यालय देखिए, विजुअल्स में भाजपा कार्यालय देखिए कि लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और जगमग हो चुका है भाजपा कार्यालय। और अब इनकम टैक्स पे वापस आते हैं, आपने विजुअल्स में देख लिया कि भाजपा कार्यालय किस तरह से सजा है। अब हम आपको इनकम टैक्स का दिखा रहे हैं, पोस्टर वोस्टर तो आपको दिख ही रहा होगा लेकिन ये स्टेज देखिए, ये स्टेज भी तैयार होगा। और ई रिक्शा पे देखिए किस तरह से झंडा जो है, झंडा ही है मुझे लग रहा है, देखिए झंडा किस तरह से इस पर लदा चुका है। तो मैं बता दूं कि जेपी नड्डा और अमित शाह पटना पधार रहे हैं तो उसी की तैयारी में जो भाजपा कार्यालय है वो भी सज चुका है, पूरा पटना जो है वो सज चुका है। अब देखना यह है कि जब वो आते हैं तो क्या कुछ होता है पटना की सड़क पर, लेकिन हम आपको रात का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी हो रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा जब पधारेंगे पटना की धरती पर तो क्या कुछ होगा वो तो जब आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले की तैयारी क्या है वो हम आपको दिखा दिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।